ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। जिले में कुछ दिनों पहले शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक करने का मामला सामने आया था। इस हमले के पीछे दूल्हे की प्रेमिका का हाथ था। प्रेमी के दूसरा जगह शादी करने से नाराज होकर युवती ने उस पर एसिड अटैक कर दिया था। इस दौरान मंडप में बैठे 12 लोग भी घायल हुए थे। मामला जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 7 साल पहले कांवर गांव आरोपी युवती की मुलाकात सुधा पाल के रहने वाले डमरू बहेल से हुई थी। दोनों के बीच लगातार संपर्क रहा, एक दूसरे से शादी का वादा भी किया था। हालांकि इसी बीच डमरू बहेल ने किसी दूसरी लड़की से शादी तय कर लिया था, जिसकी जानकारी प्रेमिका को नहीं थी। युवती को पता चलने पर उसने डमरू को कॉल कर शादी के बारे में पूछा, लेकिन डमरू ने शादी की बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद से प्रेमिका ने कई बार युवक को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया था। प्रेमिका को जब शादी की बात चली तो वे 19 अप्रैल की शाम शादी समारोह में पहुंची। उस रात आंधी तूफान के चलते बिजली गुल हो गई थी। इसी का फायदा उठाकर प्रेमिका ने एसिड अटैक कर दिया। रविवार को लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को पकड़ने जिले के करीब 10 से ज्यादा थानेदार समेत पुलिस अफसर लगे हुए थे। भानपुरी जाने वाले मार्ग में लगे करीब 12 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था। सोनारपाल, बालेंगा, मुंडा गांव, बस्तर समेत अन्य गांवों में आरोपी की तलाश की जा रही थी। फिर मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाके की ही रहने वाली एक युवती के साथ डमरू का प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया और पूछताछ करने पर युवती ने अपना जुर्म कबूल लिया।